आज हम बनाएंगे खास तौर पर बच्चों के लिए एक बहुत ही क्विक और इजी लंच बॉक्स रेसिपी। आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर जरूर दें। यकीन मानिए, वो पूरा लंच खत्म कर कर ही घर आएंगे। तो आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर डिश, लेमन राइस। तो लेमन राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद अब हम गरम तेल में लगभग 3/4 चम्मच काली सरसों के दाने ऐड करेंगे। सरसों को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप मूंगफली के दाने डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच साबुत उड़द दाल। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और ये जो उड़द दाल हमने अभी ऐड की है, इसको हल्का सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 6 से 7 काजू, 2 सूखी लाल मिर्च टुकड़े करके ऐड करेंगे और 1 बड़ी चम्मच रोस्टेड चना दाल। आप चाहे तो यहाँ पर जो नॉर्मल हमारे घर पे रॉ चना दाल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा और 1/4 छोटी चम्मच हींग। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लंबाई में कटा हुआ सूखा नारियल, 2 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को ऑयल में ऐड करने से क्या होगा कि जो लेमन राइस है उन पर काफ़ी बढ़िया कलर आएगा। 3/4 चम्मच धनिया पाउडर अच्छे से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो लगभग 1/4 कप जितना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से दोबारा से मिक्स कर देंगे। तो ये जो लेमन राइस है, इन्हें बनाने के लिए आप लेफ्ट ओवर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इस रेसिपी में राइस को बॉईल करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कप उबले हुए चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैंने चावल को नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के पानी में उबाल लिया था। तो चावल को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्के हल्के हाथों से हम इसे सभी मसालों में मिला देंगे और ध्यान रखेंगे कि गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखें। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने जो ये लेमन जूस मार्केट में मिलता है उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारा जो लेमन राइस है वो पूरी तरह से बन के तैयार है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है। काफ़ी अच्छा इसमें कलर आया है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तो एक बार ना आप इस तरह से लेमन राइस बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर ज़रूर दें, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।